इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ चमेली प्लांट के बारे में कि अगर मॉनसून का टाइम स्टार्ट है, इस टाइम में अभी भी अगर आपके प्लांट में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, कलियाँ नहीं बन रही हैं, तो आप अपने प्लांट में क्या खाद डालें, किस तरह से केयर करें कि जल्दी ही आपके पौधे में भी कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वॉचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, चमेली आपका एक समर ग्रोइंग प्लांट होता है जो कि मार्च से लेके हमारे यहाँ तो दिसंबर तक इसमें फ्लावर्स आते रहती है। बहुत खूबसूरत वाइट कलर के खुशबूदार फूल वाला ये पौधा होता है, जो कि अगर आप नर्सरी में लेने जा रहे हैं तो आपको हमारे यहाँ इनकी जो छोटी छोटी पौध है वो 30 से 40 रुपए में मिलती है। आप इजली ला के लगा सकते हैं। एक बार अगर आपने इसको लगा लिया तो एक प्लांट से ना जाने आप इनके कितने सारे प्लांट फ्री में बना सकते हैं। सबसे पहले बात करूं फ्रेंड्स, इनका जो पॉटिंग मिक्स होगा, जो सॉइल मीडिया आप बनाएंगे, वो वेल ड्रेन होना चाहिए। दूसरा, अगर अभी भी आपके पौधे में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो आप इनकी हर एक ब्रांच की टिप को इस तरह से एक एक इंच के लिए पिंच कर दीजिए। जब आप पिंच करते हैं तो उससे आपको दो फायदा होता है। पहला तो ये कि पौधे में आपके मल्टीपल ब्रांच आती है, जितनी ज़्यादा पौधे में ब्रांच चाहेगी उतना ज़्यादा आपका पौधा घना होता जाएगा। तो सबसे पहला काम तो हम लोग का यही होना चाहिए कि प्लांट को बुशी कैसे बनाएं, प्लांट को कैसे घना बनाएं। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका होता है कटाई छटाई। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, आप उसकी जितनी ज़्यादा कटाई छटाई करेंगे उतना ज़्यादा वो पौधा आपका हेल्दी होगा, ग्रोथ अच्छी होगी और बुशी बनता जाएगा। दूसरा काम, ये जो इस तरह की सूखी सूखी लकड़ी लगी है ना प्लांट में, इनको आपको कट करके हटा देना है। इनका कोई ऐसा रोल नहीं होता, ये अननेसेसरी प्लांट में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। सूखी लकड़ियों पे ही आपके ज़्यादातर इंसेक्ट लगते हैं, तो सूखी लकड़ियाँ आपको पौधे में बिल्कुल नहीं छोड़ना। जहाँ से भी आप चेक करिए, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही, प्लांट ने अपनी ग्रोथ रोक दी है, हर एक उस जगह से आप प्लांट की पत्तियों को कट कर दीजिए। इसके बाद जो भी सूखी सूखी पत्तियां लगी हों उन सबको निकाल दीजिए। इनकी अगर सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसको 4 घंटे की भी अगर आप डायरेक्ट सनलाइट देते हैं तो ये उसमें बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपके पौधे में फ्लावर्स आते रहेंगे। इनको अगर आपने धूप नहीं दिया पौधे को, तो पौधे की लीफी ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे। 8 से 10 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर करिए। अगर मिट्टी गीली, जैसे हमारे यहाँ कल बारिश हुई है, मिट्टी गीली है तो बहुत लाइट हैंड से गुड़ाई करना है। गीली मिट्टी में बहुत तेज़ी से आपको गुड़ाई नहीं करना होता है, वरना जड़ों के ज़्यादा डैमेज होने का खतरा रहता है। जब मिट्टी सूखी हो तो आप थोड़ा डीप गुड़ाई कर सकते हैं। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स वाटरिंग की। तो चमेली का पौधा ऐसा है कि जब इसमें फ्लावर्स खिल रहे हों, यानी पौधे पे फूल लग रहे हों, कलियाँ बनी हों खूब सारी, तो उस टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपके पौधे कि मिट्टी में एक मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। देखिए, मेरे भी प्लांट में जितनी भी इस तरह की सूखी सूखी टहनियाँ थी, मैंने सबको कट कर दिया है। जब आप पौधे की मिट्टी में एक मॉइस्चर मेंटेन करके रखते हैं तो वो फ्लावर्स लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज़्यादा टाइम तक खिला रहता है और फ्रेश रहता है, और फिर कलियाँ जो हैं वो भी खिलती रहती। लेकिन जब पौधे में कलियाँ बनना स्टार्ट हो रही हों, तो उस टाइम में मिट्टी जब हल्की सी ड्राई हो जाए तब आपको पानी डालना होता है। इंसेक्ट की बात करूं तो इतना हार्डी प्लांट है, आज तक मैंने इस पे स्पाइडर माइट्स के अलावा दूसरा कोई इंसेक्ट नहीं देखा। बरसात के टाइम में पौधों में मकड़ियां लग जाना एक नॉर्मल बात है, आप उसको टैप वाटर ऑन करके वॉश कर दीजिए, साफ हो जाएगी। खाद के तौर पे फ्रेंड्स मैं क्या खाद देने वाली हूँ, ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है। इससे क्या होगा कि प्लांट की लीफी ग्रोथ अच्छी होगी, जहाँ जहाँ से कट किया जो ब्रांचेज आएंगी वो मजबूत आएंगी। दूसरी
दूसरी जो खाद आप देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट एक से दो मुट्ठी है, और जो दूसरी खाद आप देख रहे हैं ये है नीम की खली। जैसा मैंने बताया कि बारिश के टाइम में गमलों की मिट्टी में कीड़े लग जाते हैं, समटाइम्स वो उड़ने वाले होते हैं, समटाइम्स रेंगने वाले होते हैं, तो ये जो नीम की खली है ये एज अ इंसेक्टिसाइड भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तीसरी खाद के तौर पे जो कि पौधे में ज़्यादा फूल लेने के लिए बहुत ज़रूरी खाद है, ये है देखिए इस तरह से सूखे हुए ये केले के छिलके, इनको अच्छे से केले प्याज के छिलकों को मैंने अच्छे से धूप में सुखा लिया है वॉश करके, और अब इन छिलकों को आपको पीस के, इसमें देखिए एक दो ये लेमन के भी पील्स हैं, इन सब को जब आप धूप में अच्छे से सुखा लेंगे तो फिर इनको ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से मिक्सर में, इनका एक बारीक सा पाउडर बना लीजिए, और वो पाउडर फिर आप जब पौधे में डालेंगे तो चाहे बरसात हो या कुछ हो, पौधे में कोई फंगस वगैरह लगने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे अगर आप केले के छिलके गीले गीले यूज़ करते हैं तो लिक्विड में, तो उस टाइम में फंगस लग सकता है, लेकिन ये जो सूखी हुई खाद है ये फंगस क्रिएट नहीं करेगी। बरसात के टाइम में ये खाद आप ज़रूर बना के रखिए पहले से, और बारिश में इनका यूज़ करिए। ये फुली ऑर्गेनिक है, तीनों ही खाद मैंने ऑर्गेनिक बताई है, जिसका प्लांट में कोई नुकसान नहीं। इससे बहुत जल्दी पौधे की ग्रोथ भी स्टार्ट होगी और पौधे में लगातार कलियां बनना शुरू हो जाएगी। तो 3 चम्मच के करीब ये जो मैंने पाउडर बनाया था, ये 3 चम्मच के करीब पाउडर ऐड कर लिया। अब इसको, इसमें कटोरी छोटी है तो इसमें मिक्स नहीं हो रहा, इसके लिए देखिए मैं इसको इसमें डाल के तीनों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है कि खाद पूरी एक बराबर सब में हो जाए। और ये खाद बस सिर्फ महीने में एक बार आपको देना है, आप चाहें तो इसमें से सिर्फ एक खाद जो है ये जो केले के छिलकों प्याज के छिलकों का पाउडर है ये 15 दिन बाद पौधे में रिपीट कर सकते हैं, वरना ये जो वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली ये सिर्फ महीने में एक बार आपको आपके पौधे में डालना है। डाल के देखिए 5 से 7 दिन में आपको आपके पौधे पे रिजल्ट मिलने लगेगा। आप खुद अप्लाई करिएगा, मेरे कहने पे नहीं, आप खुद देखेंगे कि ये खाद देने के 5 से 7 दिन के बाद आपको आपके पौधे पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बस इस तरह से मिट्टी हटा के मिट्टी के नीचे ही हमेशा खाद देते हैं, स्पेशली बारिश के टाइम में, वरना वो फंगस भी क्रिएट करती है, और अगर तेज़ बारिश होती है तो पानी के साथ गमलों से खाद भी आपकी बह के निकल जाती। तो इस तरह से देखिए मैंने खाद डाल दी, इसमें वैसे कोई इंसेक्ट नहीं लगता। अगर आपके पौधे में लगता है कोई इंसेक्ट तो आप 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, उससे जो भी इंसेक्ट होगा वो जल्दी आपके पौधों को ख़राब नहीं करेगा। तो बस इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से चारों साइड के गमलों में हल्की हल्की सी गुड़ाई करके गड्ढा बना के उसमें ये खाद डाल दिया है। तो बस आप ये खाद डाल के देखिए, ये खाद का जो मैंने 3 खाद का कॉम्बिनेशन बताया है, या आप कि किसी भी फूलों वाले पौधे में देंगे तो आपको उसमें इतना ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। खाद देने के बाद हमेशा वाटरिंग करते हैं, लेकिन मेरी मिट्टी क्योंकि पहले से ही गीली है इसलिए मैं खाद को तो अच्छे से मिट्टी के नीचे दबा दूंगी, लेकिन पानी नहीं डालूंगी एक्स्ट्रा। बस आप भी इस तरह से अपने पौधों में ये खाद दीजिए और फिर खूब सारे फूलों का लुत्फ लीजिए। एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के काम की होगी, आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। एक चीज़ और कि जो भी पौधों में इस तरह की वीड वगैरह निकल रही है ना, इनको रिमूव करते रहिए, वरना ये आपकी प्लांट की एनर्जी सक करेंगी। जो खाद आपने आपके पौधे की ग्रोथ के लिए दिया है तो साथ के साथ ये वीड वगैरह भी अपनी ग्रोथ फास्ट कर देंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।